साथ ही रुख करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का 100 साल की उम्र में निधन, पंचतत्व में विलीन हुई। पीएम मोदी ने दी मुखाग्नि। रविवार को सुबह 10 से 2 बजे के बीच वडनगर में होगी प्रार्थना सभा। पीएम मोदी ने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। नमामि गंगे कार्यक्रम खत्म करने के बाद पीएम मोदी अपने भाई पंकज मोदी के घर पहुंचे। क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट, डिवाइडर से टकराई कार, पैर में गंभीर चोट। क्रिकेटर ऋषभ पंत के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी उत्तराखंड सरकार, सीएम धामी ने किया ऐलान। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस विश्नोई गैंग के 2 कुख्यात गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। मुंबई में बांद्रा के मशहूर माउंट मेरी चर्च को बम से उड़ाने की धमकी। पटना में गंगा नदी घाट पर यात्रियों से भरी नाव डूबी, 7 लोग लापता। पूर्व डीएम के सांसद एस मस्थान की हुई थी हत्या, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीजेपी नेता राजीव रंजन 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड हुए। बोधगया में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दलाई लामा से की मुलाकात। गाजियाबाद में ब्लैक फंगस का पहला केस सामने आया। लुधियाना में कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे 2 लोगों की दम घुटने से हुई मौत। गुरुग्राम में ट्रक और बस की टक्कर के बाद लगी आग, 1 की हुई मौत। ब्राजीलियाई फुटबॉल स्टार पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन। चीन के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाना चाहते हैं राष्ट्रपति पुतिन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।